स्वागत है। आइए, जब बात कर रहे हैं चुनाव की, तो अनेकों गांव के अंदर प्रधान जीते हैं, तो अनेकों गांव के अंदर प्रधानों को हार का सामना भी करना पड़ा। तो आज हमारे बीच में ऐसे ही बविना रूलर के जो टपरियन मोहल्ला है, वहां के हमारे बीच के अंदर दो पंचवर्षीय जीतने के बाद इस बार भी प्रधान के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, जो कि इस बार कहीं ना कहीं कहाँ चूक हो गई हमारे बीच में, जो प्रधान प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, प्रधान का चुनाव लड़ रहे थे, हमारे बीच में बैठी हैं श्रीमती पप्पी देवी जी, जो मौजूद हमारे बीच में, जिन्होंने दो पंचवर्षीय अपने कार्यकाल बविना रूलर के अंदर सेवा दी, गांव वालों की सेवा की। आखिरकार जानते हैं कि इस बार कहाँ चूक हो गई, आखिरकार क्यों जीत का सरताज क्यों सर पर नहीं बन पाया। तो अगली आवाज़ पप्पी देवी जी की। हाँ जी, पप्पी देवी जी नमस्कार। जी नमस्कार। इस बार का चुनाव कैसा रहा आपका, इस बार आखिरकार कहाँ लोगों के बीच में? चुनाव बहुत अच्छा रहा है और हमें जनता ने बहुत चाहा है, और 10 साल हम रहे हैं, 10 साल कार्यकाल में हमने काम किया है, रोड का, नाली का, पानी की व्यवस्था, कचरा गाड़ी की व्यवस्था, शमशान घाट बनवाया है, और हमें कहीं ये समझ में नहीं आया कहाँ जनता को हमारे प्रति ऐसा लगा, और हम समझ नहीं पाए जनता के बीच में कि हमें मतलब क्या ऐसा लगा जनता को कि हम इस काबिल नहीं हैं। इसलिए थोड़ी चूक तो हमसे हुई है, लेकिन अब प्रयास करेंगे जनता के बीच में रहकर, फिर भी प्रयास करेंगे कि वो अपना वापस लौटा के ले आए जनता का प्यार। कितने वोट मिले वैसे आपको? वैसे हमको 1400 वोट मिले हैं और मात्र हम 100 वोट से मात खाए। हमने देखा कि आपने विवाह सम्मेलन भी कराया है। विवाह सम्मेलन हमने करवाया है, 800 लड़कियों की शादी निःशुल्क करी है हमने, और सारी व्यवस्थाएँ हमने बहुत अच्छे से, अभी सम्मेलन हमने इतना अच्छा किया, जब से हमने सम्मेलन छोड़ दिया, जब से बबीना में ऐसा उत्सव नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारी जनता से पूछ सकते हैं आप, सारे गांव से पूछ सकते हैं, हमने बहुत अच्छे तरीके से सम्मेलन किए हैं, जनता के बीच में काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं, दुख सुख में सब सारी चीज़ें। लेकिन अब वो तो ये है कि भूल हो गई है, कहाँ चूक हुई है जनता को, हमसे कहाँ वो रहा है वो हम नहीं बता सकते। इस जीत को हार को लेकर क्या अगले भी तैयारी करोगी आप प्रधान? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जनता के बीच में हम फिर आना चाहते हैं और हम पूरी उससे लड़ेंगे। हमें इतना वोट नहीं मिला, इतना हमें वोट मिला है और हम जनता के बीच में फिर रहना चाहते हैं। शुभचिंतकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं हम शुभचिंतकों के लिए कि हम उन्हें बहुत बहुत बधाई पात्र समझते हैं कि उन्हें हमें तहे दिल से चाहा है, तहे दिल से वोट दिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद उनका करना चाहते हैं। ये थे बबीना रूलर के टपरियन मोहल्ले के हमारे बीच में पप्पी देवी यादव जी, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि गांव के अंदर 10 सालों से, 2 पंचवर्षीय से लगातार सेवा करने के बाद भी, परंतु इनके चेहरे पर आज भी वो रौनक है जो पहले भी थी और अभी भी है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता जीत और हार का, हार जीत तो लगी रहती है। वास्तव के अंदर जो विकास इस गांव के अंदर कराया है इन्होंने, वास्तवता इस गांव के अंदर, चाहे शमशान घाट की बात करें, जल की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, सड़क की, अनेकों विकास कराए, और सबसे बड़ी इन्होंने काम कराया जो है विवाह सम्मेलन, हर किसी को नहीं मिल पाता कन्या का विवाह सम्मेलन, तो वास्तविकता इनकी जो कार्य को है लेकर इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने संक्षेप में हमारे चैनल पर बात करने का प्रयास किया और हमारे चैनल पर इन्होंने अपनी बात बताई कि जिस तरीके से समाज से भी शुरू से करते आ रहे हैं, इस तरीके से आगे भी करते रहेंगे, लोगों का दिल जीतते रहेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, देव न्यूज़ झांसी।